पिछले ब्लॉग में हमने आपको दिखाया नथुला पास और शिव मूर्ति। अब हम आपको लेके चलते हैं बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर की तरफ। सबसे पहले हम आपको बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर के दर्शन करवाते हैं, जहां पर भारतीय सैनिकों द्वारा अरदास की जाती है। और बाबा हरभजन सिंह जी के बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी है कि जब ये अपने घोड़ों के ऊपर रसद लेके जा रहे थे तो इनका पैर फिसल गया और ये नदी में गिर गए। नदी में गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई और भारतीय सैनिकों ने इन्हें लापता घोषित कर दिया। 2 दिन के बाद इनका दोस्त के सपने में आए और इन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु हो गई है और मैं वहाँ पर नदी में गिरा हुआ हूँ। फिर भारतीय सैनिक वहाँ गए और वहाँ से उन्होंने उनका शव निकाला। उसके बाद इनकी याद में यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। कहा जाता है कि अब भी बाबा हरभजन सिंह जी भारतीय सीमाओं की पहरेदारी अदृश्य रूप से करते हैं और इस बात को चीनी सेना भी मानती है। सामने है वॉल ऑफ ब्लेसिंग्स। यहाँ पर एक कैंटीन भी है जिसे भारतीय सैनिकों द्वारा चलाया जाता है और इसमें रेट्स भी बहुत रीजनेबल हैं। यहाँ पर आप रिफ्रेशमेंट लेकर कुछ देर विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद आगे की यात्रा कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था चंगू लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लेक थी और इसका पानी इतना क्रिस्टल क्लियर था कि बस पूछो मत। और यहाँ पर बोटिंग की सुविधा हमने सोचा था होगी, मगर बोटिंग सुविधा यहाँ पर नहीं है। यह लेक 14,000 फुट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर एक लेक का होना अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। इस लेक को आप देख सकते हैं नथुला पास से वापसी में आते हुए। पहाड़ी एरियों में पाया जाने वाला ये एक जानवर है याक। चंगू लेक के ऊपर ही शिवजी जी का एक मंदिर है जो कि चंगू शिव मंदिर के नाम से फेमस है और हम अंदर गए और हमने शिवजी जी के दर्शन किए। लेक के पास ही आप याक की सवारी का मजा भी ले सकते हैं। इसकी सवारी करने में बहुत मजा आता है। चंगू लेक और याक की सवारी का मजा लेने के बाद अब हम चल पड़े हैं पेलिंग की तरफ, जहाँ पर कि रास्ते में ये हमें एक तीस्ता नदी दिखाई दी है जो बहुत ही खूबसूरत है। आसपास बहुत ही पेड़ लगे हुए हैं। चलिए हम देखते हैं अगर हमें कोई तीस्ता नदी को क्रॉस करने के लिए कोई पुल मिलता है तो हम आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे, मगर पेलिंग जाने का रास्ता अभी से ही बहुत खूबसूरत, तो आगे देखिए क्या होता है। तीस्ता नदी पर कोई पावर प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका कि काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था। तीस्ता नदी पर चल रहे पावर प्रोजेक्ट के साथ साथ हमने आसपास के पहाड़ी जो एरिया था उसका भी मजा लिया। बहुत ही सुंदर पहाड़ थे, पूरे ग्रीन हो रखे हैं। आसपास बस ऐसे लग रहा था जैसे कि आंखें नहीं हट रही थी। और जो एक साइड तो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था और दूसरी साइड देखिए तीस्ता नदी कितने फ्लो के साथ बह रही थी और इसका जो पानी का रंग था बिल्कुल लाइट ग्रीन सा, जो बस दिल कर रहा था यहाँ पे खड़े होके नीचे उतर जाए नदी में। लेकिन ऐसा कोई चारा नहीं था हमारे पास कि हम नीचे उतर के जाते, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी जो है पुल के ऊपर ही खड़ी करी हुई थी। और ये देखिए कितने सारे लोग हैं जो इस पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। और ये रास्ते में जाते हुए हमें कई जगह पर तो लैंडस्लाइडिंग मिली, कहीं कहीं पर वाटरफॉल्स थे बहुत ही सुंदर। रास्ता कहीं कहीं पर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था क्योंकि गाड़ी के निकलने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा थी। हम सोच रहे थे कि उत्तराखंड में ही बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है, मगर इस साइड हम पहली बार आए और लैंडस्लाइडिंग का तो यहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है। सड़कें काफ़ी टूटी फूटी हुई हैं इस पेलिंग वाले रास्ते में, सिक्किम वाले रास्ते में इतने नहीं थी। और ये देखिए कितना बड़ा पहाड़ और सड़क तो बहुत, यहाँ पर आने के बाद सड़क जो है वो काफ़ी स्मूथ हो गई थी यहाँ पे। और आगे देखिए झरना। रास्ते में पड़ने वाले इतने सारे वाटरफॉल्स
और ये वाटरफॉल के जो छींटे मुंह में आ रहे हैं ना, उसका तो मजा ही कुछ और है। ये देखिए, रास्ते में एक जगह पर और लैंडस्लाइडिंग हो रखी थी, जहां पर कि हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा क्योंकि वहां पर जेसीबी लगी हुई थी जो कि रास्ता साफ कर रही थी। रास्ता साफ होते ही हम लोग आगे की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हमें एक और नदी दिखाई दी जो बहुत ही खूबसूरत थी। हमसे रुके बिना रहा नहीं गया और हमने थोड़ी देर गाड़ी रोकी और हम थोड़ी देर वहां रुके और कुदरत के नजारों का मजा लिया। आप भी मजा लीजिए प्रकृति के अद्भुत नजारों का। रास्ते में जाते हुए हमें एक पॉइंट मिला है बहुत ही सुंदर, यहाँ से वैली व्यू इतना सुंदर है कि बस दिल कर रहा है यहीं पे बैठ जाओ। बैंबू से बैठने के लिए यहाँ पे बेंच बना रखा, कितना सुंदर। किसका दिल नहीं करेगा यहाँ बैठे। यहाँ पर है बर्ड पार्क मगर रश बहुत ज्यादा है, बहुत लोग आए हुए हैं। गाड़ी पार्किंग की भी जगह नहीं है यहाँ पर। हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पेलिंग। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूरिस्ट पॉइंट है जिसका नाम है स्काई वॉक, और ये भारत का इकलौता स्काई वॉक है। अब हम पहुंच गए हैं टिकट काउंटर और टिकट है यहाँ पर पर्सन 100 रुपीज़। स्काई वॉक टूरिस्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक खुला रहता है। टिकट लेके अब हम चल पड़े हैं स्काई वॉक के लिए। इसकी जो ऊंचाई है वो है समुद्र तल से 7,200 फीट और ये पूरा ग्लास का बना हुआ है। इसके ऊपर चलने का एक अद्भुत ही एहसास है, ऐसे लगता है मानो हम हवा में चल रहे हों। स्काई वॉक में एंटर और पीछे का सीन तो इतना बढ़िया है, पूरा ग्लास का है, थोड़ा सा चलने में डर लगता है थोड़ा सा। और यहाँ से जो वैली व्यू है ना वो तो ऑसम है, ऑसम, बहुत ही बढ़िया। स्काई वॉक के साथ ही बुद्ध धर्म से संबंधित प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। ऊपर की तरफ शेन राइजिंग बौद्ध स्टैचू है और यह वर्ल्ड का टॉलेस्ट शेन राइजिंग स्टैचू है। इस स्टैचू की हाइट 137 फीट है और इस स्टैचू तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर जानी पड़ती हैं। सीढ़ियों के दोनों तरफ गोल्डन प्रेयर व्हील्स लगे हुए हैं। स्टैचू के नीचे बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल मॉनेस्ट्री बनी हुई है, इसको देखना एक अद्भुत एहसास है। आप भी इस खूबसूरत जगह का मजा लीजिए।
पर बहुत ही बड़े बड़े प्रेयर व्हील्स लगे हुए हैं। इन्हें घुमाकर मन की शांति प्राप्त करते हैं। मोनेस्ट्री में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं दार्जिलिंग के लिए, क्योंकि दार्जिलिंग में हमारा नाइट स्टे है और हमारी नेक्स्ट डे फ्लाइट है बागडोगरा से दिल्ली के लिए। इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं इस दार्जिलिंग गैंगटॉक सीरीज़ का। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।